बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूवर्स, आपका होस्ट समर इकबाल मलिक इस वक्त सिटी वन प्लाजा में मौजूद है और आज यहाँ मैंगो फेस्टिवल सजाया गया है। मेरे साथ हैं मोहम्मद सलीम खान जो कि सिटी वन प्लाजा के प्रेसिडेंट हैं। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ जो मैंगो फेस्टिवल सजाया गया है इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच समर भाई। सबसे पहले तो हम अपने एम्बेसडर मैडम आमना बलोच का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने कीमती टाइम में से निकाल के हमारे पास शामिल हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि ये खासकर जो मेला सजाया गया है ये माल पैक बिज़नेस काउंसिल और प्लाजा सिटी वन जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से ये सब कुछ हमने अरेंज किया है। तो हम सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं और इस मैंगो फेस्टिवल के और इसके मैंगो की जो हमारे एक पहचान है और पाकिस्तान की एक सकाफत है इसको हम इंशाल्लाह मजबूत भरपूर इसको हम प्रमोट करेंगे। और सब दोस्तों का भी शुक्रिया जो हमारे इस मैंगो की प्रमोशन के लिए हमारे साथ तआवुन कर रहे हैं। तो शुक्रिया, थैंक यू जी। समी भट्ट साहब यहाँ के मशहूर पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, इनसे पूछना चाहते हैं वो आज मैंगो फेस्टिवल पे क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम समर भाई। आज जो इधर प्रोग्राम हुआ है ये पाकिस्तान सिटी वन प्लाजा की मैनेजमेंट ने और ये असलम भाई, सलीम भाई और जितने भी लोग हैं इन्होंने ये एफर्ट करके प्रोग्राम कराया और मैडम आमना बलोच का शुक्रिया जो इधर आई हैं और उन्होंने इस प्रोग्राम को एक दोबाला यानी इज्जत आबरू दे दी और जो वो इसके लिए काम कर रही हैं मैडम साहबा और ये पाकिस्तानी टीम मैंगो के लिए माशाल्लाह ये सारा तारीफ है। और इंशाल्लाह इसी तरह ये लोग काम करते रहे तो इंशाल्लाह एक दिन हमारा मैंगो किसी तारीफ का मोहताज नहीं होगा और ये ऑटोमेटिक चलेगा इसी तरह। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। ये अपना मास्क नीचे करें। माय एक्सीलेंसी, प्लीज़ आज आपने रंगारंग इस मैंगो फेस्टिवल का यहाँ भी ओपनिंग की और चीफ गेस्ट हैं आप, तो आप किस तरह समझ रही हैं कि मलेशिया में पज़ीराई कैसी मिली है? देखिए जी, आज ये मैंगो प्रमोशन एक्टिविटी की तीसरी कड़ी थी, तीसरा इवेंट था हमारा। हम पाकिस्तानी मैंगोज़ को यहाँ पे खासी पसीराई हासिल हुई है। हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हमारे जो पाकिस्तानी यहाँ पे बिजनेसमैन हैं उन्होंने मिलके ये कोलैबोरेट किया है और हमने ये एक्टिविटी शुरू की और मुतारिफ़ कराए मुख्तलिफ किस्में पाकिस्तानी आमों की यहाँ पे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो जितना बाकी सीज़न रह गया है इसमें हम जो है वो काफ़ी बड़ी मार्केट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और आइंदा आने वाले सालों में आप पाकिस्तानी आम को यहाँ पे मुतवातिर देखेंगे। क्या ये सिलसिला सिर्फ मैंगो तक रुक जाएगा या पाकिस्तान की दीगर जो एक्सपोर्ट हैं जिस तरह स्पोर्ट्स गुड्स हैं, लेदर गुड्स हैं या स्पोर्ट्स वियर हैं तो उनकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी कुछ इकदाम हाई कमीशन और ट्रेड काउंसलर साहब कर रहे हैं? जी, हमारी नज़र तमाम जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर है। इस वक्त क्योंकि मैंगो का सीज़न है और मैंगो अवेलेबल है तो इस वजह से इसको प्रायोरिटी पे हमने प्रमोट किया है। लेकिन इसके अलावा जो पाकिस्तानी सब्जियां हैं, पाकिस्तानी फ्रेश फ्रूट है, पाकिस्तानी चावल है, पाकिस्तानी प्याज है वो भी, और उसके अलावा फार्मास्यूटिकल गुड्स हैं, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए भी यहाँ पे बहुत जो है वो डिमांड है और हम इस डिमांड का फ़ायदा उठाते हुए ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से यहाँ लेकर आएंगे। शुक्रिया। मैं आपका सईद एहसान, मैं मालपाक का एक्सको मेंबर हूँ और आज हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तानी मैंगो जो है ना मलेशिया के मार्केट में जो है ना लोग उसको बहुत पसंद करते हैं और हमारे सर जो है ना पहाड़ से बुलाने के हमारे मुल्क की जो है ना फ्रूट्स और दूसरी सब्जियां इसी मार्केट में आ चुके हैं तो हमारा ये कोशिश है कि हमारे मुल्क का नाम हर शुबे में यहां हम कोशिश करेंगे उसको जो है ना रोशन करेंगे। शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हारून अली जो कि इस मैंगो को इंपोर्ट करने वाली शख्सियत है मलेशिया में, तो रूबे रवा मैं इनको कह सकता हूँ, मैंगो को इंपोर्ट करने की जान कह सकता हूँ सैयद हारून अली। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपका यहाँ मैंगो इंपोर्ट करने का इस साल क्या एक्सपीरियंस रहा है? अस्सलाम वालेकुम। इस साल मलिक साहब काफ़ी इम्प्रूवमेंट रही हमारी इम्पोर्ट में,
कोविड-19 की वजह से ऐसा लग रहा था कि हम इस साल इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन खुदा का करना ऐसा है कि अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुज़श्ता सालों से ज़्यादा अच्छा किया हमने। और इसमें मैं शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान एम्बेसी का, मालपाक का और हमारी बिज़नेस कम्युनिटी का, जिन्होंने इसमें एफर्ट्स किए हैं और सारी उन लोग की जो काबिशें हैं वो रंग लेकर आई हैं और इस दफ़ा हमने किया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अगले साल और इससे ज़रा बेहतर कर पाएंगे। शुक्रिया। रहमान रहीम, पाकिस्तान की मलेशिया में पहचान, दातो मोहम्मद जमील कादरी मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, आज आप दोबारा दूसरे मैंगो फेस्टिवल में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं मिनी पाकिस्तान सिटी वन प्लाज़ा में, आपके क्या ख्याल आते हैं? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे दोस्तों, आज जहाँ भी पाकिस्तान की कोई भी चीज़ आएगी हम वहाँ जाएँगे। पाकिस्तान का कोई भी आइटम, ये तो आम है, ये तो आम मलेशिया और पाकिस्तान के दिलों को जोड़ने के लिए ये हमने इंपोर्ट किए हैं। और माशाल्लाह, तो मैं कैसे रह सकता था, जहाँ भी जाएगा मैं जाऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे पाकिस्तान का, मेरे अपने वतन अजीज़ का मामला है। जहाँ भी पाकिस्तान की ज़रूरत होगी, दुनिया की किसी खत्े में मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि माशाल्लाह भी पाकिस्तानी मैंगोस मलेशिया में बहुत कसी तादाद में इम्पोर्ट हो रहे हैं और यहाँ के लोकल जो हैं, जितने चाइनीज़ मिले इंडियन, बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और कहते हैं यार ये ऐसे कभी सारा साल आते रहे ना। मैंने उन्हें कहा सारा साल नहीं आते, सीज़न होता है 2-3 माह का अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मलेशिया में तो जो आम है ये सारा साल चलते रहते हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई सब जितने मसाला जात और जितने भी पाकिस्तान में जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं करें मलेशिया के लिए, यहाँ मार्केट बनाएँ, बहुत अच्छा चांस है। मलेशियन पाकिस्तानी आइटम्स को पसंद करते हैं। शुक्रिया दातो। मेरे साथ हैं शफकत नियाजी साहब जो पाकिस्तान के ट्रेड काउंसलर हैं मलेशिया में। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह मैंगो की प्रमोशन के लिए आपने इकदाम किए हैं, क्या आप पाकिस्तान की दीगर मसनूआत जैसे स्पोर्ट्स गुड्स हैं, लेदर गुड्स हैं और दीगर सामान है, उसकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी कुछ इकदाम कर रही है पाकिस्तान? बहुत मेहरबानी समर साहब। सबसे पहले तो यहाँ मेल पैक को और तमाम पाकिस्तानी अवाम को बहुत मुबारक। हम कोविड की वजह से ईद उल फितर नहीं मना सके, लेकिन आज आप देखेंगे कि आज बिल्कुल ईद का सा समा है। आम ने पाकिस्तानी, मलेशियन और दीगर तमाम लोगों को आपस में जोड़ दिया है, हर किसी के चेहरे पे खुशी है। यहाँ आपको तमाम आम की प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, चाहे वो मिल्क शेक है, चाहे आइसक्रीम है, मैंगो टेस्टिंग है, सब कुछ है। जहाँ तक हमारे इकदाम का तलक है, मैडम जो हाई कमिश्नर हैं वो हर स्टेप पे हमें सपोर्ट कर रही हैं। टीडीएफ और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स सपोर्ट कर रही हैं ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मसनूआत यहाँ पे आएँ। इसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त एक्सपोर्ट्स डाउन जा रही हैं। पाकिस्तान की वैसे भी एक्सपोर्ट कोई 3-4% डाउन गई हैं, लेकिन मलेशिया में जो पाकिस्तानी मसनूआत हैं वो 45% इंक्रीज़ कर गई हैं। पिछले साल ये 160 मिलियन थी, इस साल 266 मिलियन आई हैं, लिहाजा हमारी बढ़ रही है। मैंगो जहाँ तक है तो वो भी इस सीज़न में हम अब तक 16% ज़्यादा इंपोर्ट कर चुके हैं और इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद बढ़ाएंगे। तो हमारी तमाम मसनूआत, चाहे चावल है, आनियन है, बेड लाइनन है, हर एक में हम ग्रोथ देख रहे हैं और इंशाल्लाह अगर इसी किस्म का पाकिस्तानी लोगों का और सबका तआवुन रहा तो हम इसको मज़ीद बढ़ाएँगे। शुक्रिया जी। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की एक बेटी जो कि मलेशियन बेटी है, सईदा मरियम। तो व्हाट अबाउट द पाकिस्तानी मैंगो एक्सपीरियंस इन मलेशिया? अस्सलाम वालेकुम। इट्स सच अ प्राइड फॉर अस दैट वी कैन फाइंड पाकिस्तानी मैंगोज हियर इन मलेशिया। थैंक्स टू सैयद हारून अली फॉर सक्सेसफुली इम्पोर्टिंग पाकिस्तानी मैंगोज टू मलेशिया। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मिलकर जो मलेशिया में इकदाम किए हैं वो काबिले तारीफ़ हैं। खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक का नाम रोशन करने के लिए इसी तरह पाकिस्तान हाई कमीशन के ओहदेदारान काम करते रहें और पाकिस्तान का हर शहरी बैरून मुल्क में काम करता रहे। तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं हूँ समर इकबाल मलिक, पाक मलेशिया न्यूज़, कुआलालंपुर मलेशिया।